नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे समसामयिक घटना चक्र दो वार्षिकांक 2019। तो इसमें हम लोग बात कर चुके थे संक्षिप्तियों में चर्चित व्यक्ति देख चुके हैं और पुरस्कार सम्मान देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब बात करने वाले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्थलों के बारे में। जो चर्चा में रहे वो स्थल देखते हैं हम लोग। याद रखिए, जितना भी अभी तक हम लोग समसामयिक घटना चक्र खत्म कर चुके हैं वो सब भी आप लोगों को एक जगह मिल जाएंगे। वो है अपनी समसामयिक घटना चक्र 2019 के नाम से प्लेलिस्ट में सूची बनी हुई, उसी में सभी लेक्चर पढ़े हुए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्थलों के बारे में। पेरिस, पेरिस शांति फोरम के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। याद रखना, पेरिस शांति फोरम के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया 11 से 13 नवंबर तक। ठीक है, इस फोरम में भारत के प्रतिनिधि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। फिर सैंटियागो, चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा द्वारा राजधानी सीट सैंटियागो में आपातकाल की घोषणा की गई है। आपातकाल की घोषणा देश में सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती लागत के विरोध किए जाने वाले हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद की गई है। यह आपातकाल 28 अक्टूबर 2019 को हटा लिया गया है। फिर है सिंगापुर, सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चीनी की अधिक मात्रा वाली अस्वास्थ्यकर पेय सामग्रियों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लग गया। इस प्रकार का प्रतिबंध लगाने वाले यह विश्व का पहला देश बन गया। यह प्रतिबंध सिंगापुर में मधुमेह के बढ़ते मामलों से निपटने हेतु लगाया गया है। बात करते हैं मैनचेस्टर, ब्रिटेन के मैनचेस्टर में विश्व का पहला केस बैंक खोला गया है। यहाँ पर 2,500 पाउंड की राशि देकर युवावस्था में अपने बालों का नमूना फ्रेज कराया जा सकता है। बैंक के अनुसार अगर किसी के बाल गिर जाते हैं तो उसके बालों से खिलौन बनाकर दोबारा सिर में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। फिर विक्टोरिया, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में अपनी नई शाखा का उद्घाटन किया है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में अपनी शाखा खोलने वाला यह भारत का पहला बैंक है। काठमांडू, नेपाल राष्ट्र बैंक ने गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के स्मरण में 3 सिक्के जारी किए। काठमांडू में आयोजित एक विशेष समारोह में 2500, 1000 और 100 नेपाली रुपए के सिक्के लॉन्च किए। कोलंबो, श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना द्वारा कोलंबो में निर्मित दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे टावर लोटस टावर का उद्घाटन किया है। इस टावर की ऊंचाई 356 मीटर है एंटीना सहित। बात करते हैं वियतनाम, दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा फार्म का उद्घाटन हुआ है। दाउ तिंग सौर ऊर्जा कॉम्प्लेक्स नामक इस फार्म का निर्माण वियतनाम की सबसे बड़ी कृत्रिम झील दाउ तिंग जलाशय पर किया गया। सर्बिया, आधिकारिक रूप से बीजिंग चीन स्थित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का गैर क्षेत्रीय सदस्य बना है सर्बिया। 20 अगस्त 2019 को ग्रीस भी इसका गैर क्षेत्रीय सदस्य बना। नाइजीरिया, परागणकों की सुरक्षा हेतु वैश्विक गठबंधन में शामिल होने वाला चौथा अफ्रीकी देश है नाइजीरिया। ठीक, अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थलों को, यहीं देख लेते हैं। खुजिस्तान प्रांत, ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी द्वारा ईरान के खुजिस्तान प्रांत में 53 बिलियन बैरल कच्चे तेल के नए भंडार खोज किए गए जाने की घोषणा की। बेलग्रेड, अंतर संसदीय संघ की 141वीं बैठक सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित की गई है। इस बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाग लिया है। फिर गंडा नते गचिन लेन मठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मंगोलिया के राष्ट्रपति खल्त भागिन बतुलगा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ओलान बत्तार के इस मठ में स्थापित भगवान बौद्ध और उनके दो शिष्यों की प्रतिमा का अनावरण किया गया। फिर दुबई में स्थित विश्व के पहले ऊँटों के अस्पताल में सुविधा को 50% और अधिक बढ़ाने की घोषणा की है। फिर मॉस्को, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रूस के मॉस्को में एक इसरो
तकनीकी संपर्क इकाई की स्थापना की मंजूरी दी है। फिर है जॉर्डन, जॉर्डन में अकाबा के तट पर लाल सागर से निर्मित विश्व के पहले अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम का अनावरण किया है। धराबोल विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान के पूर्वी शहर सियालकोट के धारोवाल क्षेत्र में स्थित सवाला तेजा सिंह मंदिर पूजा के लिए खोला गया है। फिर रानी दुगामा, श्रीलंका में मॉडल विलेज के तहत रानी दुगामा में भारत की सहायता से निर्मित पहले मॉडल गांव का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। आयरलैंड सरकार द्वारा अपनी नई जलवायु परिवर्तन योजना के एक भाग के रूप में वर्ष 2030 तक देश में नए पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। फिर बात करते हैं अल्जीरिया और अर्जेंटीना के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अल्जीरिया और अर्जेंटीना आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त देश घोषित हुए हैं। ताइवान की बात करें तो ताइवान की संसद में समलैंगिक विवाह से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाली ताइवान पहला एशियाई देश बन गया। फिर बात करते हैं अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई। इस मंदिर का निर्माण बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा कराया गया। फिर लुजोन द्वीप, फिलीपींस के शोधकर्ताओं द्वारा आदि मानव की नई प्रजाति जिसे होमो लुजोनेंसिस नाम दिया गया की खोज किए जाने की घोषणा यह प्रजाति 50,000 से 67,000 वर्ष पूर्व यहाँ निवासित थी। फिर नूर सुल्तान, कजाकिस्तान की संसद द्वारा देश के सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति रहे नूर सुल्तान नजरबायेव के सम्मान में राजधानी अस्ताना का नाम परिवर्तित कर नूर सुल्तान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बात करते हैं ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी है। इलेक्ट्रॉनिक कार टैक्सी के लिए वायरलेस चार्जिंग सुविधा प्रदान करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया है ओस्लो। दुबई एयरपोर्ट ने लगातार पांचवें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय यात्री हेतु व्यस्तम एयरपोर्ट के रूप में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका क्रिकेट ICC का 105वां सदस्य बना है, याद रखना इसे, ठीक है। बात करते हैं बेबीलोन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन द्वारा 4,000 वर्ष पुराने मेसोपोटामिया शहर बेबीलोन विश्व विरासत स्थल घोषित हुआ है। यह शहर हैंगिंग गार्डन के लिए प्रसिद्ध है जो प्राचीन विश्व 7 अजूबों में से एक है। बात करते हैं ग्रैंड बस्साम आइवरी कोस्ट में महात्मा गांधी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं बायोटेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया। इसे एक्जिम बैंक द्वारा प्रदत्त 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता के माध्यम से निर्मित किया जा रहा है। बात करते हैं मेक्सिको की संसद ने एक नए उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते का अनुसमर्थन करने हेतु मंजूर भी प्रदान की है। इस समझौते की पुष्टि करने वाला यह पहला देश है। इस समझौते को संयुक्त राज्य अमेरिका मेक्सिको कनाडा समझौते के रूप में भी जाना जाता है। बात करते हैं चीन द्वारा पहली बार समुद्र में एक लॉन्च पैड से अंतरिक्ष रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चीन द्वारा ऑनलाइन विश्व ज्ञान कोष विकिपीडिया का सभी भाषा में उपलब्ध संस्करण प्रतिबंधित कर दिया है। चीन द्वारा विश्व की पहली सशक्त उभयचर डॉन नौका मरीन लेजर्ड की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बात करते हैं दक्षिण कोरिया विश्व का पहला पूर्ण विकसित 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया इसने। इस दिन 3 शीर्ष दूर संचार प्रदाताओं SK टेलीकॉम, KT और LG U+ ने अपनी 5G सेवा शुरुआत की है। बात करते हैं इजराइल, यरूशलम के हिब्रू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने विश्व के सबसे लंबी नमक की गुफा खोजे जाने के संबंध में जानकारी प्रदान की है। मृत सागर के दक्षिण पश्चिम हिस्से तक विस्तारित 10 किलोमीटर से अधिक लंबी यह गुफा का नाम मालहम कैप माउंट सोडोम से होकर गुजरती है। बात करते हैं पलायु पश्चिमी प्रशांत देश, विभिन्न प्रकार की सनस्क्रीन पर प्रतिबंध
लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है पलायु, यह पृथ्वी में वर्ष 2020 से प्रभावी होगा। सनस्क्रीन उत्पादों से मूंगों को हानि पहुंचती है। बात करते हैं राष्ट्रीय स्थलों के बारे में। राष्ट्रीय स्थल देखते हैं, पानीपत, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को हरियाणा के पानीपत जिले में 2G एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने हेतु पर्यावरण संबंधी मंजूरी दी है। बात करते हैं आर गड्ढा, केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद एसो नायक द्वारा हैदराबाद के आर गड्ढा में त्वचा विकारों के लिए राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा चेनानी नासरी सुरंग का नाम परिवर्तित कर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है। 9.2 किलोमीटर लंबी यह सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH44 पर स्थित है। यह न केवल देश की सबसे बड़ी सुरंग है बल्कि एशिया की सबसे बड़ी द्विदिशात्मक राजमार्ग सुरंग भी है। यह सुरंग जम्मू एवं कश्मीर के ऊधमपुर जिले में स्थित चेनानी को रामबन जिले में स्थित नासरी से जोड़ती है। बात करते हैं नोएडा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा 1250 किलोग्राम प्लास्टिक अपशिष्ट से निर्मित सबसे बड़े चरखे का लोकार्पण किया गया। सेक्टर 94 में स्थित इस चरखे का वजन 1650 किलोग्राम है और आकार इसका 14 फुट 20 इंटू 20 फुट इंटू 8 फुट है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा इस चरखे को देश में प्लास्टिक अपशिष्ट से निर्मित सबसे बड़े चरखे के तौर पर चिन्हित किया गया। बात करते हैं बेंगलोर के बारे में, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलोर में स्थापित राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान एवं विकास केंद्र का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने इंटर डिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एनर्जी रिसर्च का लोकार्पण किया है। भारत और ब्रिटेन द्वारा संयुक्त रूप से द्विवार्षिक स्वच्छ वायु के लिए नवाचार नामक पहल लॉन्च की है। बात करते हैं कोयम्बटूर, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा कोयम्बटूर स्थित सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री में एवियन इको टॉक्सिकोलॉजी के राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है। इस केंद्र में खाद्य श्रृंखला के माध्यम से कीटनाशी भारी धातुएं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पॉलीक्लोरीन क्लोरीन युक्त बाइफेनाइल ड्रग जैसे पर्यावरणीय प्रदूषकों को और इनके पक्षियों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा। बात करते हैं गाजियाबाद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के लागू होने के 13वें वर्ष के अवसर पर गाजियाबाद में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। अन्य राष्ट्रीय स्थलों की बात कर लें हम लोग तो डल झील, जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा श्रीनगर स्थित प्रसिद्ध डल झील के आसपास के क्षेत्रों को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने हेतु 10 सदस्यीय समिति का गठन का निर्णय लिया है। बात करते हैं जबलपुर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा की गई घोषणा के अनुसार गुरु नानक देव जी की स्मृति में जबलपुर में सिख संग्रहालय और शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी। बात करते हैं गांधीनगर, गुजरात राज्य का पहला केरोसिन मुक्त जिला बना है गांधीनगर। मेदिनापुर रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल में स्थित यह रेलवे स्टेशन मुक्त वाईफाई की सुविधा युक्त देश का 5000वां रेलवे स्टेशन बनाया गया है। ठीक, तरह सेवाग्राम, कौन सा सेवाग्राम, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित सेवाग्राम में स्वच्छ भारत विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की है। ग्रेटर नोएडा, देश की पहली केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रेटर नोएडा में नवनिर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। बात करते हैं गुजरात,
केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार देश के पहले केंद्रीय रासायनिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना गुजरात में की जाएगी। बात करते हैं कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कोलकाता में नवनिर्मित श्री चैतन्य महाप्रभु संग्रहालय का उद्घाटन, यह श्री चैतन्य महाप्रभु की स्मृति में निर्मित विश्व का पहला संग्रहालय। बात करते हैं भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा दारथ राज्य के लोगों को समर्पित यह स्टील स्मारक भुवनेश्वर के बीजू पटनायक पार्क में स्थित है। रह पुणे। सिंगापुर के ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल द्वारा पुणे में भारत के पहले स्मार्ट स्कूल परिसर की स्थापना करने की घोषणा की है। स्मार्ट परिसर में विद्यार्थियों के लिए डिजिटल और वर्चुअल क्लासरूम की सुविधा होगी। दिल्ली और विजयवाड़ा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा पायलट आधार पर दिल्ली और विजयवाड़ा में अपने पहले आधार केंद्र का संचालन प्रारंभ किया है। जुकू घाटी। विश्व पर्यावरण दिवस पर नागालैंड में दक्षिण आगामी यूथ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त जुकू घाटी आधिकारिक तौर पर प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित हुई है। लेह। समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत के पहले प्राकृतिक आइस कैफे का लेह लद्दाख में शुभारंभ हुआ है। गुरुग्राम। मतदाता जागरूकता बढ़ाने और लोगों को चुनावी प्रक्रिया के विषय में शिक्षित करने के उद्देश्य से गुरुग्राम हरियाणा को में अपनी तरह के देश के पहले वोटर पार्क का उद्घाटन किया गया है। फिर लोनावाला। INS शिवाजी लोनावाला में तत्कालीन नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा द्वारा भारतीय नौसेना की अत्याधुनिक परमाणु जैविक और रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। इस प्रशिक्षण सुविधा का नाम अभेद रखा गया। बात करते हैं झाझरा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा विज्ञान धाम झाझरा में उत्तराखंड की पहली और देश की पांचवी साइंस सिटी का शिलान्यास किया है। बात करते हैं प्रतापगढ़। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 500वें पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। मौसिनराम क्षेत्र। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के मौसिनराम क्षेत्र में देश के सबसे गहरी साफ्ट गुफा कैम उम लड़ाओ की खोज हुई है। मणिपाल। यूरोपीय संघ द्वारा स्थापित भारत का पहला जीन मोनेट उत्कृष्टता केंद्र मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन में उद्घाटित हुआ है। फिर दुधोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पलवल जिले के दुधला गांव में निर्मित होने वाले विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। ठीक है। गाजियाबाद यहाँ देख लिया था हम लोगों ने। ठीक है, तो इसमें ये भी याद रखना, केंद्रीय आयुष मंत्री श्री यशु नाइक ने गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की आधारशिला रखी थी। यह संस्थान उत्तर भारत में यूनानी चिकित्सा का सबसे बड़ा संस्थान होगा। बात करते हैं मुंबई। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे द्वारा देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान का मुंबई में शिलान्यास किया गया। वर्ष 2022 तक अहमदाबाद और कानपुर में इसी प्रकार के स्थापना के दो संस्थान स्थापित करने का भी सरकार ने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन किया है। फिर गोगाबील झील बिहार में स्थित बेल धनुष झील को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया। इस झील या झील कटिहार जिले में स्थित है। गोगाबील का निर्माण उत्तर में महानदी और कनखर तथा दक्षिण में और पूर्व में गंगा नदियों के प्रवाह से होता है। बात करते हैं तमिलनाडु में नए जिले। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी द्वारा राज्य में दो नए जिले तेनकासी और चेंगलपट्टू सृजित करने की घोषणा की गई है। 15 अगस्त 2019 को दो अन्य जिले त्रूफतूर व रानीपेट भी सृजित हुए। इन चार नए जिलों के सृजन में
इस राज्य में जिलों की संख्या 37 हो जाएगी, ठीक है, याद रखना बड़ा। बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में स्थित इस उद्यान में 82 सदस्यीय विशेष राइनो सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। इस बल में 74 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं, जिन्हें शिकारियों से निपटने और जानवरों के व्यवहार को समझने के लिए प्रशिक्षित किया गया। बल का उद्देश्य एक सींग वाले गैंडे की सुरक्षा करना है। बात करते हैं सीहोर, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित शेरपुर गांव में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना आधारशिला रखी गई। यह देश अपनी तरह का पहला संस्थान होगा देश का। कोहर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेठी उत्तर प्रदेश के कोहर में कलासिनकोव असॉल्ट राइफल के उत्पादन हेतु भारत रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड का संयुक्त उद्यम राष्ट्र को समर्पित है। इस नई संयुक्त उद्यम में नवीनतम 200 श्रृंखला की विश्व प्रसिद्ध कलासिनकोव असॉल्ट राइफल का निर्माण किया जाएगा। बात करते हैं केरल, औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के तहत आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कीमतों के उल्लंघन की जांच करने हेतु मूल निगरानी और अनुसंधान इकाई स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है केरल। बात करते हैं दांडी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवसारी जिले की दांडी में नवनिर्मित राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया है। बात करते हैं बड़ौदा, बड़ौदा गुजरात में स्थापित राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया है। यह भारत का पहला और विश्व का तीसरा रेल विश्वविद्यालय है। भारत के अलावा रेल विश्वविद्यालय रूस और चीन में स्थित है, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश एयरलाइंस एयर के 42 सीटर ATR विमान ने लोकप्रिय गोपीनाथ बारदो लोई हवाई अड्डा गुवाहाटी से उड़ान भरकर अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में स्थित पासीघाट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर पहली बार वाणिज्यिक उड़ान के रूप में लैंडिंग किए। इस लैंडिंग के साथ ही अरुणाचल प्रदेश में देश के विमान मानचित्र पर राज्य की पहली वाणिज्यिक उड़ान के रूप में जगह बनाई है। तो चलिए, ये थे हमारे चर्चित स्थल, ठीक है, 18-19 में जो भी चर्चित स्थल रहे उन्हें देख लिया। अब बात करने वाले हम लोग करेंगे योजना और परियोजनाओं के बारे में, ठीक है, जो योजनाएं प्रमुख और परियोजनाएं।